दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आयोजित हुए एग्जाम के ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानेंगे। अगर आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित 11 फरवरी 2019 को केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया इथाइल एमीन। यह जो आंसर दिया जा रहा है पूरी तरह से किताब से कंफर्म होने के बाद ही दिया जा रहा है। त्रुटि नो के रहने के बराबर संभावना है। अगर कोई त्रुटि नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 H2SO4 है एक। इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया द्विभाषिक अम्ल। ये डायबेसिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 3 पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया प्रत्यम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 CH3COOH का IUPAC नेम है। इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया इथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 लोहे का मुख्य अयस्क है। तो इनका सही ऑप्शन सी हेमेटाइट हो जाएगा। लोहे का जो मुख्य अयस्क, यहां पर मुख्य अयस्क पूछ रहा है इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा हेमेटाइट। अगर लोहा का अयस्क की बात की जाए तो ये सभी होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 डेटोल का उपयोग किया जाता है संक्रमण हारी बी प्रतिरोधी मलेरिया रोधी। इनका सही ऑप्शन होगा डी सभी। डिटोल का उपयोग संक्रमण हारी के रूप में प्रतिरोधी के रूप में भी किया जाता है। उनके बाद मलेरिया रोधी यानी पानी पर छिड़क दिया जाए तो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वे मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया नीला। क्वेश्चन नंबर 8 शुद्ध जल का पीएच होता है। तो इनका सही ऑप्शन डी आंसर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। तो इनका सही ऑप्शन आपको ए हो गया आंसर हो गया O2। क्वेश्चन नंबर 10 सुक्रोज का सूत्र है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया C12H+O11। क्वेश्चन नंबर 11 हीलियम का सूत्र है। इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया HE। क्वेश्चन नंबर 12 कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया विद्युत अवघटनी शोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 एक फेराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया 96,500। क्वेश्चन नंबर 14 में आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में आप तत्वों को गिनेंगे तो आपको 8 तत्व मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या आपको 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो इनका सही ऑप्शन डी आंसर हो गया ये OH सिंगल बॉन्ड OH। क्वेश्चन नंबर 17 PCl5 एक है। इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 18 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया HNO3। क्वेश्चन नंबर NH3 में N का संकरण है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया SP3। क्वेश्चन नंबर 20 पॉलीथीन एक बहुलक है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया इथिन का। क्वेश्चन नंबर 21 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इनका सही ऑप्शन बी अधातु। क्वेश्चन नंबर 22 बूना N तथा बूना S है। इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया संश्लेषित रबर। क्वेश्चन नंबर 23 K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया +2। क्वेश्चन नंबर 24 एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 25 उजला और पीला फॉस्फोरस है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया अपरूप। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया हीलियम। क्वेश्चन नंबर 27 नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया ओस्टवाल्ड विधि। क्वेश्चन नंबर 27 नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया ओस्टवाल्ड विधि। क्वेश्चन नंबर 28 ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। क्वेश्चन नंबर 29 OH यौगिक का नाम है। यहाँ पर आप फिगर को देख रहे हैं ये आपका फिनोल का यौगिक है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया फिनोल। क्वेश्चन नंबर 30 संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया डी ब्लॉक तत्व। क्वेश्चन नंबर 31 आवर्त सारणी के ग्रुप एक के तत्वों को जाना जाता है। तो इनका सही ऑप्शन ए आंसर हो गया क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 32 एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में
उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। तो ये भर्जन का ही डेफिनेशन है। तो इनका सही ऑप्शन 32 का सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, भर्जन। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। तो इनका सही ऑप्शन सी आंसर हो गया, ओलिगोसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 34, K3 एफिशिएंसी एक है, इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, उप सहसंयोजक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 35, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है। तो इनका सही ऑप्शन बी आंसर हो गया, SO3। तो इस प्रकार से आपने सभी 35 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना है। अगर आपको शेष बचे सब्जेक्ट का भी आंसर की जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।